आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे पास ये दो बचे हुए कपड़े हैं जो, और ये मेरी एक चौड़ी पट्टी की लेस है। देखो इसकी चौड़ाई 4 इंची की है, तो इसी नाप की हम 4-4 इंची की ये दोनों कलर में से पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 4-4 इंची की ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। मैं अब इसे किस तरीके से जोड़ा जाएगा। अब इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम इस तरीके से करेंगे। देखो इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, फिर इस पर मशीन लगाएंगे, फिर इसे सीधा करेंगे, फिर इस वाली पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसे सीधा करेंगे। तो ऐसे ही लंबाई में सभी को हम सिल लेते हैं कि ये वाली पट्टी इसके ऊपर रखेंगे, इधर की साइड सीधा होगा, इधर की साइड सीधा होगा, ऊपर की तरफ उल्टा होगा, और इसे कोने से लगाकर यहाँ पर सीधी मशीन लगा लेते हैं, यानी ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी पट्टियों को, देखो ये आपस में अटैच कर लिया है, इधर की साइड उल्टा है और इधर की साइड में सीधा है। पहले हमने पट्टियाँ लंबी लंबी 4-4 इंची की कट की थी, अब हम 4-4 इंची की चौड़ाई में कट करेंगे। देखिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है, ऐसे ही बाकी पट्टियाँ इसमें से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। देखो अब क्या करेंगे, अब इसकी मैं आपको डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो इसी तरीके से सभी पट्टियों को हम अपने रख लेंगे और डिजाइन बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से ये पट्टियाँ सभी को रख लिया है, ऐसे ही दोनों तरफ देखो ये डिजाइन बनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पट्टी के ऊपर, इस वाली पट्टी के ऊपर इसे इस तरीके से रखेंगे। देखो ये मैंने रख लिया, अब इस वाले डिब्बे को हम इसके साथ अटैच करेंगे, यानी यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से नहीं सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे, ये प्रिंट वाले डिब्बे के साथ इसे सिलेंगे। तो इसे पहले मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से ये सिल ली है पूरी पट्टियाँ को। तो देखिए इस वाले डिब्बे को पकड़ेंगे यहाँ से और इसको पकड़ेंगे, ये दोनों एक यानी प्रॉपर लाइन में हैं। देखो दोनों की एक ही लाइन बन रही है। अब यहाँ से ये तीनों मिल गए और ये दो मिल गए और एक मिल गया। देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सुंदर सी डिजाइन आई है बनके। इसी तरीके से यहाँ पर कट करेंगे। यानी देखो ये भी कट हो गया है, यानी 6-6 डिब्बे कट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों तरफ से 12 डिब्बे कट किए हैं। आपके पास 6 इंची का पुठा हो इस तरीके से देखो तो वो भी रख लें, इस तरीके से रखकर इन्हें सभी को कट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से इसके तिकोने डिब्बे बनाने हैं, चौकोर डिब्बे पे से तिकोने डिब्बे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से ये तिकोने डिब्बे कर लिए हैं और ये कट कर दिया है इसमें से। अब क्या करेंगे, इसी के नाप की कपड़ा और फॉर्म सीट, अगर आपके पास फॉर्म सीट नहीं है तो आप जो चावल के कट्टे आते हैं प्लास्टिक वाले, वो इसके अंदर इसी नाप के कट करके आप लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई भी मोटा कपड़ा इसके अंदर यूज कर सकती हैं, बेड शीट हो, टॉवल हो, कोई भी कपड़ा लगा सकती हैं। तो इसके नाप के मैं दो फॉर्म सीट
और कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये बेड शीट का कपड़ा कट किया है, जो मोटी वाली बेड शीट होती है वो वाला। फिर मैंने ये फॉर्म शीट कट की है। फिर जो हमने मेज बनाई थी उसे रखेंगे। ये मैंने रख लिया, देखो अब क्या करेंगे। तो देखिए इसकी किनारी रखने के लिए मैंने ये 3-3 इंची की पट्टियाँ कट की हैं। देखो 3-3 इंची की पट्टियाँ कट की हैं मैंने ये। तो अब हम इसे उल्टी तरफ से डबल करेंगे इसे, और उल्टी तरफ से इस तरीके से रखेंगे। मैं आपको आर्किंग की सिलाई करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये 2 आर्पिन लगाई हैं। देखो अब इसे हम सीधी तरफ, पहले ऐसे मशीन लगाएंगे इसके ऊपर, जो आर्पिन लगी हुई है उस जगह पर मशीन लगाएंगे, आर्पिन निकाल देंगे। फिर सीधी तरफ ऐसे, देखो इस तरीके से पाइपिंग बना के इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो ये डोरमेट की चारों तरफ से किनारी को सेट पहले कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस पे किनारी अच्छी तरह से रख दी है, देखो। और ये मेरा डोरमैट या चटाई ये बनके तैयार है। आप इसे कुछ भी बोल सकती हैं, मैटी, डोरमैट या चटाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।